5000 साल पुरानी सोहराई हजारीबाग की अपनी लोक कला है। यह लोक कला सिर्फ हजारीबाग तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि विदेशों तक कई आर्ट गैलरियों में भी यह अपनी सुंदरता बिखेर चुकी है। अब हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा इस प्रयास में कि हजारीबाग जिला के प्रवेश द्वार में ही सोहराई फाटक बनवाया जाए, ताकि जो भी व्यक्ति हजारीबाग आए, इस रास्ते से गुजरे, तो उसकी नज़र सबसे पहले सोहराई पर पड़े। यही नहीं, हजारीबाग में इन दिनों एक सेल्फी पॉइंट लोगों को आकर्षित भी कर रहा है, जहाँ आई लव हजारीबाग लिखा है। इसके पीछे भी एक बड़ा सोहराई को बनाने की तैयारी चल रही है। जयंत सिन्हा कहते हैं कि सोहराई कला के बारे में कई लोग जानते हैं। राजधानी रांची में भी कई अधिकारी और गैर सरकारी आवास में सोहराई दिखता है। हमने सोचा है क्यों न हजारीबाग प्रवेश द्वार पर इस सोहराई कला को उकेरा जाए, जिससे कला को ख्याति मिलेगी और इस कला से जुड़े लोगों को रोजगार भी मिलेगा। चौक चौराहे के लिए तो सब जगह सोहराई आर्ट हम लोगों ने लगवाया ही हुआ है। आई लव हजारीबाग जो है, उसमें हम लोग एक बड़ा बोर्ड बनाना चाहते हैं आई लव हजारीबाग के पीछे सोहराई आर्ट का, जिसमें जो हजारीबाग की कला है वो वहाँ से उजागर हो, जो आज सेल्फी पॉइंट बन गया है वो और भी सुंदर बने। और मैं सांसद मत के द्वारा वहाँ बोर्ड बनवाने वाला हूँ और पूरे हजारीबाग के आसपास फाटक बनवाने वाला हूँ, जिसमें कि जब लोग प्रवेश करें हमारे ज़िले में तो जो सोहराई आर्ट जो हम लोगों की जो खूबी है वो उनको नज़र आने लगे। सोहराई कला को GI टैग भी मिल चुका है, ऐसे में इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो रही है। हजारीबाग के कलाकार का बनाया हुआ पेंटिंग राजपथ पर भी दिखा है, जिसकी प्रशंसा पूरे देश ने किया। सोहराई कला को ऊंचाई तक ले जाने के लिए पद्मश्री बुल्लू इमाम का परिवार निरंतर कोशिश भी कर रहा है। पद्मश्री बुल्लू इमाम की पुत्रवधू अलका इमाम का कहना है कि यह कला प्रकृति से जुड़ी हुई है, जिसमें प्रकृति के रंग का उपयोग किया जाता है। गांव की महिलाएं अपने घरों पर सोहराई किया करती थी, आज इसकी सुंदरता महानगरों तक दिख रही है। जो गांव की महिला होती है, मिट्टी के कलर से, प्राकृतिक साधन से, वो अपने घरों के दीवारों को लिपती है, पोतती है और कुछ चित्र अंकित करती हैं जो नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि जानवर, पशु, पेड़ पौधे। क्योंकि सोहराई नेचर से रिलेटेड आर्ट है और ये काफ़ी कुछ नेचुरल इसमें एलिमेंट्स खर्च होते हैं, तो डेफिनेटली ये है कि जो ये आर्ट है और जो नेचर है, दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। दुनिया का तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत से हमारे देश में बहुत से ऐसे राज है जहाँ भी प्राकृतिक रंगों के साथ पेंटिंग्स होता है, लोक कला होता है। लेकिन जो हम लोग का झारखंड का जो सोहराई का जो कला है, इसकी बहुत इसमें विविधता है। 9-10 प्रकार के सोहराई पेंटिंग्स बनते हैं। जयंत सिन्हा का यह भी कहना है कि सोहराई सिर्फ दीवारों तक सीमित ना रहे, कुर्ता, बंडी, जैकेट, साड़ी में भी सोहराई कला की छटा दिखनी चाहिए। इस बाबत स्थानीय कलाकार और व्यवसायियों को ऐसा करने के लिए सोचना भी चाहिए, तभी सोहराई का वैल्यू ऐड होगा और इसका फायदा दो तरफा मिलेगा। पहला, इस कला को लोग समझेंगे तो दूसरी ओर इस कला से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। हम लोगों की कोशिश यही है कि आपने देखा ही है, रांची एयरपोर्ट वगैरह सब जगह हम लोगों ने सोहराई आर्ट का हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है, लेकिन ये पूरे देश भर में जाए और जैसे चॉपिंग बोर्ड पे बनाया गया है, वैसे कुर्ते पे बनाए जाए, पट्टों पे बनाया जाए और सब चीज़ों पे बनाया जाए। अब ये देखिए, जैसे वेलकम होम का साइन है, इसमें बनाया जाए। ऐसे ऐसे चीज़ों में सोहराई आर्ट को अगर हम लोग जोड़ दें, ये देखिए एक और उदाहरण है, कोस्टर का उदाहरण, इस पे भी सोहराई आर्ट है, तो ये कोस्टर का भी हम लोग उपयोग करें, ये वैल्यू ऐड होता है। इस तरीके से सोहराई आर्ट को हम लोग पूरे देश भर में फैला सकते हैं और जो सोहराई के जो कलाकार हैं उनको ज्यादा इसके द्वारा कमाई मिल सकती है। श्री बुल्लू इमाम इस कला को विश्व स्तर तक ले जाकर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पद्मश्री बुल्लू इमाम का कहना है कि वर्तमान समय में सोहराई मिट्टी के घरों से निकलकर पक्के घरों तक पहुँच रही है। 5000 साल पुराना कला गांव की थी, मिट्टी की दीवारों पर मिट्टी से ही कलाकृति की जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव में पक्के मकान बन रहे हैं। ऐसे में हम लोग पक्के मकान पर भी यह कलाकृति उकेर रहे हैं। अब सोहराई का बात कीजिए, ये सोहराई पहले मिट्टी का घर पर रंगा जाता था, कभी ब्रश का नौबत नहीं था कोई को खर्च करने की, कुच्ची से, दतौन वाला कुच्ची से रंगा जाता था। कोई इसमें समझिए कि प्रोफेशनल कलर तो एक्रिलिक कलर का नाम ही नहीं। तो अब जब हम इसको शुरू किया और मिट्टी पर आ गया और जब 1000 घर रंगा गया दुनिया में, 1000 दीवार रंगा गया एक्रिलिक में, माने आप साल भर धोइएगा तो दीवार से रंग नहीं निकलेगा। तो आप करते करते हमको ये समझ में आ गया कि जितना हम लोग पक्का घर बना दिए गांव सब में मिट्टी का घर हटा करके, तो पक्का घर को भी अब हम लोग रंगवा रहे हैं वही प्राचीन ही कलर में।
बट नया टेक्नोलॉजी के साथ। तो पूरा हिस्ट्री यही बताता है कि चीज़ कभी नहीं बदलता है, चीज़ नया नया रूप ले लेता है, चीज़ बदलता नहीं है। कला किसी खास व्यक्ति विशेष की नहीं होती, सम्मिलित प्रयास से कला को नया आयाम मिलता है। सोहराय कला को पद्मश्री बुल्लू इमाम ने दुनिया के सामने लाया तो अब इस कला को और भी अधिक लोकप्रिय बनाने की कोशिश हर एक व्यक्ति को करने की जरूरत है। निसंदेह जयंत सिन्हा का यह प्रयास भी काबिले तारीफ है। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।